भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन के कानून में फेरबदल करने के बाद देखा यह गया है कि भारत भर में जो ट्रकर्स हैं उनमें गुस्सा है, उबाल है। उसी के बीच आज जंतर मंतर पर एक बड़े प्रोटेस्ट को बुलाया गया है, तो उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक ट्रक यूनियन के ही एक अधिकारी हैं। सर, पहले आपका नाम और आप कहाँ के हैं? मैं वाहन चालक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद्र यादव आजमगढ़ से आया हूँ, और माननीय गृह मंत्री जी द्वारा जो ड्राइवरों पर हम लोगों पर अत्याचार एक कानून बनाया गया है वो हम लोगों के लिए फांसी का फंदा साबित हो रहा है, और आने वाले समय में यदि किसी भी ड्राइवर के साथ ऐसी घटना घटती है तो वो फांसी का फंदा ही है, क्योंकि वहाँ अगर ड्राइवर रुकेगा एक्सीडेंट के दरमियान तो पब्लिक मार देगी, और ड्राइवर यदि वहाँ से भाग जाता है तो प्रशासन मार देगा, उसको 10 साल की सजा है व उस पर जुर्माना कुछ कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम भारत के तमाम यूनियन के जो मेन लीडर हैं सभी पदाधिकारी आए हैं, और बाकी सभी हम अपने जो ड्राइवर संबंधित हमारे यूनियन के सदस्य मेंबर हैं सभी लोगों को अवगत कराया गया है कि कोई भी गाड़ी ना चलाएं कि जब तक गृह मंत्री जो है इसको वापस ना ले लें कानून को। सर, आपकी बड़ी मांगे क्या हैं ड्राइवर्स के लिए? देखिए, पहले से भी हमारी लड़ाई चल रही थी, हम 4 मार्च 2023 को यहाँ धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर दिए थे कि ड्राइवर के लिए कुछ बीमा, कुछ योजना, उनके बच्चों के लिए बाल विकास योजना के तहत गरीबी योजना को लेकर के सरकार आए, क्योंकि उनकी वेतन किसी की 5,000 किसी की 10,000 से ऊपर नहीं होती है, और सभी लोगों के लिए ड्यूटी निर्धारित की गई है, कोई 8 घंटे की ड्यूटी, किसी की 10 घंटे, किसी की 12 घंटे। हम ड्राइवरों की ड्यूटी जो है कि 24 घंटे रखी गई है, जो कि इसमें कोई दिहाड़ी की समय नहीं कहे कि आप 8 घंटा में इतना पाओगे या 10 घंटा में इतना पाओगे, 24 वही बस 250, 300, 400, 500 की दिहाड़ी पड़ती है, तो 24 घंटे में हम कितना कमाएंगे कि सरकार को 7 लाख जुर्माना भरेंगे और फिर 10 साल की सजा काटेंगे। हम इससे भी मंजूरी देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर सरकार जो है 50 लाख 75 लाख का बीमा योजना का जारी कर दे हमारे लाइसेंस पर, और हमारे बच्चों के लिए जब हम जेल जाते हैं तो हमारे बच्चों के लिए कम से कम 20,000-25,000 रुपये पर मंथ वेतन लागू कर दें कि जब हम जब तक जेल में रहेंगे तब तक हमारे बच्चे ये खाएंगे, अपनी शिक्षा सुरक्षा व्यवस्था रखेंगे, जब हम जेल से आएंगे तो फिर अपनी ड्राइवरी हम शुरू करके अपने बच्चों को दिला लेंगे। अगर इस पर सरकार अपनी बात को नहीं मानती, यदि सत्ता के हंगार में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी अगर चूर हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम चट्टान की तरह खड़े हैं, और कल गाजियाबाद डासना से पैदल पद यात्रा जन ड्राइवर जन आंदोलन उत्तर प्रदेश विधानसभा के तरफ गूंज करेगा, और माननीय हम अपने मुख्यमंत्री जी से योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे और उनसे अपने लिए हम सुरक्षा व्यवस्था की मांग करेंगे, निवेदन करेंगे, और वैसे भी हमारे माननीय गृह मंत्री जी से हमारे बाबा जी की बनती नहीं है, और हम उनसे निवेदन करेंगे कि कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोगों के लिए मुख्यमंत्री जी से कुछ व्यवस्था उपलब्ध हो कि ताकि हम फिर से आवागमन अपनी पूरी करें और प्रदेश को अपने और अपने देश को सुरक्षित रखें, देश की आवाम को हम सुरक्षित रखें। जिस तरह से हम सभी ड्राइवर देश की आवाम के साथ जन्म से लेकर मृत्यु सैया तक हमेशा साथ हमने दिया है, तो आज भी जो है हम दें, और किसी भी नागरिक को अगर हमारे तरफ से आज कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं हाथ जोड़ के सभी अपने देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप इस समय हमारा साथ दें, क्योंकि हमारी जिंदगी अब ताक पर खड़ी है, हमारे लिए फांसी का फंदा तैयार है, देश की आवाम से देश की जनता से हम अपने लिए भीख मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए कि आप लोग हम पर दया करें और हमारे देश के तमाम ड्राइवर साथियों को सहयोग दें, और जो भी हमसे हो सकेगा सदा हम लोगों ने आपका साथ दिया है, देश की सुरक्षा की है, देश को हमने हमेशा गति पर ले गया है और आज भी हम गति पर ही रखेंगे। और एक बात और आप लोगों से मैं कहूँगा कि जिस तरह से आप लोग नेताओं की बात रखते हो, हर जगह टीवी न्यूज पर चलता है, तो कृपया करके आप लोगों से मैं निवेदन करूँगा, और आपके एक जो सबसे बड़ी हमारे हिंटर पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप जी कम से कम हमारे ड्राइवरों के बारे में जरूर कुछ हैं, क्योंकि मिशन हमारा जारी, आज नहीं तो कल आपके टीवी पर मैं आऊँगा, ये तो निश्चित है। जिस तरह से मैं ड्राइवर समाज के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, अगर कभी मुझे वक्त मिला तो मैं आपके टीवी न्यूज पर आऊँगा शो में, और अंजना जी से मैं जरूर इस पर चर्चा करूँगा। आगे अगर आपकी मांगों पर सरकार नहीं मानती तो आगे क्या होगा ड्राइवर यूनियन का? आंदोलन जारी रहेगा, अनिश्चितकालीन स्टेजिंग छोड़ो आंदोलन जारी रहेगा, चाहे क्यों ना इस आंदोलन में हमारी मौत क्यों ना हो, सरकार अगर हमें फांसी का फंदा अगर हमारे इस विरोध में अगर हमें कोई सजा सुनाई जाती है इस आंदोलन में तो हमें फांसी का फंदा भी मौजूद कबूल है, और हम लड़ाई जारी रखेंगे तब तक कि जब तक सरकार और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी
झुक करके देश के ड्राइवर से देश के ड्राइवरों से माफी नहीं मांगेंगे, इस काले कानून को वापस नहीं करेंगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एक ड्राइवर्स यूनियन के नेता, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कल एक यात्रा भी निकाली जाएगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेंगे अपने मुद्दों को लेकर, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन को लेकर जो कानून थे उनमें फेरबदल किया गया, सख्त सजा का प्रावधान भी इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके बाद देखा गया कि ट्रक यूनियंस हैं, ड्राइवर्स हैं, उनमें नाराजगी थी। 3 दिन का बड़ा एक स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया गया, जिसका सीधा सीधा असर जो दिखा सप्लाई चेन पर दिखा, उसी को देखते हुए आज जंतर मंतर पर अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट यूनियन हो और भारतवर्ष के अलग अलग इलाकों से, राज्यों से जो ट्रक यूनियन है, ड्राइवर यूनियन है, इकट्ठी हुई है, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत करते हुए अपनी मांगे रखी। कैमरामैन संजय के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।